सर नमस्कार, संजीव पांडे यूपी में आपका स्वागत है। इस समय चुनाव चल रहा है तो जी आपकी क्या विचारधारा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, किसकी सरकार बन रही है, क्या है आप 400 पार के समर्थक हैं? एक विस्तार से आप थोड़ा संक्षेप से बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, समर्थक वाली बात तो ठीक नहीं है। जो है आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस बार जो बीजेपी का नारा है 400 पार वो होगा या नहीं होगा। जो है हमारे हिसाब से ये अपने आप में असंभव सा लक्ष्य है। जो है ठीक है, नहीं वो तो सर, पूरा नहीं होगा जो है, लेकिन ये है कि फिर भी जहाँ पे ये लोग खड़े हैं उससे ये लोग बेहतर कंडीशन में रहेंगे। जो है 400 पार नहीं होगा लेकिन 400 के करीब छू सकते हैं। छू भी सकते हैं लेकिन वो आसान काम नहीं होगा। जो है नहीं सर, बाकी सीटें तो छोड़ दिए, जहां पर देखना है समस्या वहां तो छोड़ दिए हैं ना सर। टोटल इधर वाली जोड़ के बता रहे हैं 400 पार होगी। चाहे जो भी हो, 400 पार अगर होता है, जैसे पूर्व का जो अनुभव है इनका 2014 का या 2019 का, जो है कि किसी को अनुमान नहीं था कि बीजेपी अपने दम पे 284 सीटें पाएगी, लेकिन पा गई। और 2019 में अकेले बीजेपी 303 सीट पाई थी, वो भी किसी को लग नहीं रहा था और फिर भी पा गई। ये उसी ट्रेंड पे इन्होंने एक दिया हुआ है कि वो 400 पार हो होगा, जाएगा, 400 पार बट होगी वो आसान सरकार। काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ये मैं कहूँगा कि जहाँ पे ये खड़े हैं उससे बेहतर कंडीशन में रहेंगे। जो राहुल है गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी एज ए इंसान अच्छे हैं, आदमी सारे सभी अच्छे होते हैं, बट ये है कि पॉलिटिकली थोड़ा मैच्योर नहीं है। उनका कैरियर कैसा है, आपके नजरों से कैरियर देखा जाए तो कैसा चल रहा है आज? कैरियर अब ये तो उनके ऊपर है कि उनका कैरियर कैसा है, क्या करना चाह रहे हैं, वो राजनीति करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बैचलर हैं ठीक तो आप है, क्या सजेशन देंगे, राहुल गांधी की शादी करें कि ना करें? हमारे हिसाब से उनको शादी कर लेना चाहिए। जो कर है लेना कर चाहिए लेना चाहिए। जो है क्योंकि भविष्य के लिए एक युवराज चाहिए होगा क्या? नहीं, ये युवराज सब तो ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि एक विपक्ष की जगह होती है, विपक्ष होना चाहिए। तो और आप भी मानते हैं कि पुश्तैनी चलती रहे, मतलब हमारा नहीं, बच्चा हम वंशवाद नहीं, चलता रहे। हम इसके समर्थक नहीं है। जो राहुल है गांधी समर्थन नहीं है आपके? नहीं, हम राहुल गांधी के समर्थक नहीं है, बट हम इनके विरोधी भी नहीं है। अच्छा, विरोध करने वाले कौन होते हैं, बस समर्थक तो हो ही सकते हैं। जो है वंशवाद के पक्षधर हैं कि नहीं? नहीं, हम वंशवाद के पक्षधर नहीं है। जो है लेकिन हम इसके भी पक्षधर नहीं है कि अगर हम किसी एमपी के लड़के हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लड़के नहीं बन सकते हैं, ऐसा इसके विरोधी हम हैं। बट ये है कि अगर उसमें क्षमता है, मेहनत किया है बंदा, तो हो सकता है वो पहुंच जाए। जो है यानी कि आप योग्यता को प्रिफर करते जी हैं हाँ, जी और हाँ, 400 पार के लिए मोदी जी को फिर दोबारा बुलाना चाह रहे हैं कि आए दिल्ली के फिर आए तो धरती पर अच्छी बात बैठे, है, अगर 400 की जगह 450 आए तो और अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। जो है मतलब मोदी जी के आप पूरा लगते हैं समर्थक हैं आप? हाँ, समर्थक हैं, ऐसा नहीं है, मतलब हमारे शुभकामनाएं मोदी जी को। जो है तो मोदी जी की सरकार आ रही है और आप जैसा बता रहे हैं विचारों से कि आप 400 छू लेंगे, 400 करीब छू सकते हैं, छू सकते हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा। जो है माननीय छू अखिलेश सकते हैं, यादव जी के बारे में क्या विचार है आपका? अखिलेश यादव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पॉलिटिशियन भी अच्छे हैं। दुर्भाग्य से जो है एक ऐसा समय आया जो है जिसमें वो विलुप्त हो गए हैं, नहीं तो वो उनका फ्यूचर ब्राइट है। जो है ब्राइट फ्यूचर यानी ब्राइट 27 फ्यूचर है। में वर्क कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, 27 में आ सकते हैं, नहीं 27, 2033 में आ सकते हैं। आ सकते हैं, संभावनाएं हाँ, हैं। उनके सामने दो बड़े बैरियर हैं, एक तो योगी आदित्यनाथ और दूसरा नरेंद्र मोदी। जो है अभी हमेशा तो रहेंगे नहीं, जो है नहीं तो एज ए पॉलिटिशियन अखिलेश यादव अच्छे मतलब व्यक्ति वेट हैं। करना पड़ेगा हाँ, तो आने की पूरी संभावना है। आप बोलिए होना तो राहुल यही गांधी। चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपना वोट कास्ट करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष को दे, चाहे विरोधी दल को दे, या किसी निर्दल को दे, या एक और भी ऑप्शन दिया गया नोटा, उसमें भी दे, लेकिन वोट जरूर देना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। हम 5 साल में ये अगर ये एक काम नहीं कर सकते तो हमें राजनेताओं को ये गाली महापर्व देनी। है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज सर ने बहुत अच्छी जानकारी दिया है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।